अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमारी हो गई है सुबह सुबह फ्रेंड्स, और आज जो है ना नाश्ते की ऐसी भूख लगी है क्योंकि कल रात को हमने डिनर ही नहीं किया, बस नहीं किया क्योंकि बर्गर खाए थे बहुत बड़े बड़े। तो जल्दी जल्दी से आपसे मिलते हैं नाश्ते के टाइम। आ गया हमारा नाश्ता और ये पता नहीं किसने एक बाइट भी खा लिया पकाने वाले ने। ग्रोसरी करने, ज्यादा ग्रोसरी करनी, अंडा वंडा लेना है, सब्जियां सब कुछ। और उसके अलावा आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए ना घर में कुछ भी नहीं है, ना अंडा है, ना चिकन है, ना सब्जी है, शिमला मिर्च वगैरह सॉस है बस। तो इसलिए फ्राइड राइस बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होगी वो लेके आती हूँ और मज़ेदार आज सबको खिलाऊंगी पका के। इमन उंगलियाँ चार हुए हैं चलो। और अंडे के लिए ये ले लिए। ये आ गए, हम इधर से लेंगे कुछ सब्जियां वब्जियां और अंडे शंडे लेंगे। कितने पाइन एपल्स हैं? ये फ्रूट्स कॉर्नर सब्जी नहीं। ओ, ये वाला फ्रूट कॉर्नर है, सब्जी वाला दूसरे साइड है ना। तो फ्रेंड्स इमोन जो है ना वो गया है अंडे लेने के लिए, और फिर हम जो सब्जी वगैरह है वो इधर से थोड़े कुछ लेके आएगा, और बाकी जो मुझे फ्राइड राइस के लिए सब्जियाँ चाहिए वो हम दूसरी जगह से जाके लेंगे। तो यहाँ पे ये जो मार्केट है ना बाहर बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर ही बैठी हूँ, अंडे ही तो लेने और खास इतना नहीं लेना तो प्याज व्याज, तो इसलिए इमोन गया है लेने, तो मैं इधर ही वेट कर रही हूँ। ये जा रहे हैं कटहल, बांग्लादेशी नेशनल फ्रूट। काफ़ी टाइम हो गया हमने कटहल भी नहीं खाया। तो कटहल एक बहुत बड़ा फ्रूट होता है, बहुत मतलब ह्यूज साइज बड़ा, इतना मीठा होता है। उसका कुछ प्रोसेस होता है, हाथ में ऑयल लगा के फिर करते हैं, नहीं तो चिपचिप हो जाता है। और मैंने सुना है कि कराची में या इस्लामाबाद में ऐसे मॉल्स वगैरह में मिलता है, क्योंकि वो शायद इम्पोर्ट होकर आता है कहीं से, लेकिन पाकिस्तान में ये फ्रूट नहीं होता है। तो ये बांग्लादेश में बहुत देखा है और इंडिया में भी बहुत देखा है। तो ऐसे है ये कटहल फ्रूट, बहुत मतलब खूबसूरत और टेस्टी। कमेंट्स में बताना आप लोगों को कटहल कैसा लगता है, क्या कभी ट्राई किया है। ये क्या लेके आए हो? आलू प्याज, ये इंडियन प्याज लेके आए हो, बड़ा बड़ा पर्पल प्याज। अभी जा रहा है इमोन अंडे शंडे लेने के लिए। स्कूल के बच्चे, स्कूल की, अरे हमारे स्कूल की सेम ड्रेस थी, ऐसी वाली शर्ट जगह ना चेक वाली रेड कलर की शर्ट, बच्चों को दिख रही है ये सेम हमारे स्कूल में भी थी बच्चों की। अंडे भी आ गए, सारे अंडे। 100 अंडा, 100 अंडा। ये क्या लेके आए हो? कद्दू, साग और भी लोगे कुछ? हाँ, समय। अभी इमोन जा रहा है उधर से कुछ देखने, कुछ सब्जी सब्जी मिल जाए, फ्रेश मिलता है ना यहाँ पे मार्केट में, तो इसलिए लेके आ रहा है। शादी आ गए स्टाइल वाले सुपर शॉप में शॉपिंग करने के लिए ना। गाजर लेने, ठीक है गाजर। कितने गाजर लूं? कितने? दो सही है। दो नहीं, मुझे आर्यन के लिए भी तो चाहिए, 4 ले लेती हूँ। और मैं मटर चाहिए, मटर का मिलेगा अगर कोई ये सर्फ खरीदेगा ना ये वाला, तो इसके साथ ये टॉप फ्री मिल रहा है। क्या अच्छी डील है यार, बहुत पसंद है जिसके साथ कुछ फ्री मिल जाए, कभी भी नूडल्स के साथ लंच बॉक्स फ्री है। तो हमें ना दो मटर चाहिए, तो ये दो केन ले रहे हैं। सारे कोरियन नूडल्स, वाह, किमची, चपागेटी, फुरथक बुगम्यन, वो सारे स्पाइसी नूडल्स, पूरा कोरियन नूडल्स का सेक्शन आ गया था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, केक शेक है सारे, बिस्किट्स वगैरह। एक विनेगर भी ले लिया और ये ले लिया मटर। और यहाँ से चिकन ब्रेस्ट लेके जा रहे हैं बोनलेस, जल्दी जल्दी से काम कर लेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया ना इमोन, ऑलरेडी लंच नहीं बनाया, 2 बज गए। इमोन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, राइस ही नहीं है। उसके अलावा ये मैंने कटिंग किया है, इमोन मुझे चॉप करके देगा, वो प्याज काटी है इमोन ने, और अभी जो है ना हम लोग करेंगे राइस। बहुत कॉमेंट आता है वीडियोस में सर, स्पेशली लड़के करते हैं इसे, शादी आपने एक बांग्लादेशी से शादी क्यों किया, बांग्लादेशी से शादी, बांग्लादेश से शादी क्यों किया, ये पाकिस्तानी लड़की बोल पाएगा अच्छे से क्यों किया। हाँ यार, मैंने ये बांग्लादेश में कल्चर देखा है कि जो हस्बैंड्स होते हैं ना वो वाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो भले बाहर का काम हो, घर का काम हो, कुछ भी हो। तो आपने देखा होगा जब मैं नई नई बांग्लादेश आई थी तो मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि अब्बा रोटी बना रहे हैं। हाँ, मेरे को शॉक तो हुई थी, अब्बा रोटी कैसे बना रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि
लड़के घर की कुकिंग करते हो, वो तो फॉरेन कंट्री में डिफरेंट बात होती है। तो उसके बाद मेरे पास बहुत कमेंट्स आए कि बांग्लादेश का कल्चर है, बंगाली कल्चर के जो घर के जो होते हैं ना हस्बैंड्स होते हैं या बेटे होते हैं वो वाइफ की या माँ की बहुत हेल्प करते हैं कटिंग वटिंग करने में और बाकी कामों में भी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि लड़का हो या लड़की हर कोई काम हर किसी को करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इससे शादी की, उसके बाद ही मुझे ये चीज पता चली और ये बहुत ही प्लस पॉइंट है यार बांग्लादेशी लड़के से शादी करना। और एक और बात भी है, मैं मतलब इमोन को कुछ भी बोलती हूँ ना, मुझे ये करना है वो करना है, कभी भी मना नहीं करता किसी भी चीज में और हर चीज में कोऑपरेटिव है। तो मतलब मेरा तो बहुत अच्छा ही डिसीजन है कि मैं बंगाली लड़के से शादी की। तुम तो बताओ तुमने पाकिस्तान से शादी क्यों की, पाकिस्तानी लड़की से? पाकिस्तानी लड़की से शादी क्यों की तुमने? ओ ये देखो, ये तो बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि मेरे दोस्त में, मेरे जान पहचान में या रिश्तेदार में किसी को भी देखो जो लड़का शादी करके लेके आते हैं, उसके बाद उस लड़की के साथ जैसे सास का कंपटीशन शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे घर में नहीं है। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। इम्पॉसिबल, मेरे जान पहचान में तो देखा नहीं जो मिल के रह रहा है। मतलब इधर फैमिली के साथ नहीं रहते शादी के बाद? ज्यादातर मैंने अलग ही देखा, वही या फिर अलग होना चाहते हैं ऐसा। हमारे इधर तो काफी तुम्हें ऐसे किसीन मिलेंगे पाकिस्तान में कि शादी के बाद ससुराल में रहते हैं लड़कियां जाके। हार्डली मैंने देखा अभी तक। क्या पता आजकल ऐसे भी होते हैं कि ज्यादा लोग मूव आउट होना चाहते हैं अकेले प्राइवेसी, लेकिन मुझे तो मतलब ये भी ऐसे भी होती है कि मुझे पर्सनली मजा आता है फैमिली के साथ मिल रहना, लेकिन ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको प्राइवेसी पसंद होती है। 5-10 मिनट लगेंगे आने में चावल, तब तक मैं काम करना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, जो है ना अभी अंडा जो है ये वाला 6 अंडे लेके आई हूँ, इनको मुझे हल्का सा स्क्रम्बल एक की तरह करना है, तो ये मैंने ना बस गर्म कर दिया कंटेनर, इधर करूँगी और फिर जो है ना धीरे धीरे एक एक सब्जी डाल डाल के फ्राई करती जाऊँगी और आप लोग को दिखाती जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं हमारे आज के फ्राइड राइस। नहीं नहीं ठीक है, इतना भी पतला नहीं करो, देखो हटो, ठीक है परफेक्ट, गुड जॉब। तो ये हमारा स्क्रम्बल एक जो है ना वो डन हो गया। तो अभी इसी बर्तन में हम ना ये प्याज डाल देंगे। तो प्याज हो गया हल्का फ्राई, तो इसमें मैं ये सारे गार्लिक जो है ना वो डाल दूंगी और इन दोनों को मिक्स करूंगी फ्राई, उसके बाद बाकी का। फ्रेंड्स अभी इसमें मैं ना ये चिकन डाल रही हूँ, ये चॉप किया हुआ चिकन। तो जल्दी जल्दी से सारी चीजें बना लेती हूँ जब तक राइस आए। सबसे इम्पोर्टेंट राइस था जो कि भूल गया हूँ, तो राइस के लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है, राइस थोड़े बॉयल होंगे। प्याज और गार्लिक हल्का हल्का फ्राई किया, ज्यादा नहीं, उसमें मैं ये डाल दूंगी चिकन, चूल्हा तेज करके और फिर चिकन को फ्राई करूंगी, नहीं तो चिकन से पानी आ जाएगा ना। ठीक है, फ्राई करते करते ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये कैप्सिकम, ये सारे गाजर, तो एक साथ ही पकेंगे। आ गए हमारे राइस, तो ये आ गए चीनी गुरा राइस है ना ये, तो ये वाले राइस मैं धो के चढ़ा देती हूँ, पानी गर्म हो गया है। और अभी जो है ना हमारे मटर रहते हैं और ये लेते हैं ग्रीन ऑनियन, तो ग्रीन ऑनियन ये डाल दिए, मटर लास्ट में डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स अभी इसमें मैं काली मिर्च और नमक डाल रही हूँ, टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ, वेनेगर डाल रही हूँ। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करके पूरा सबको ड्राई कर देना है। ये मटर भी डाल देंगे, ये वाला अंडा भी डाल देंगे, इन सबको मिक्स करना है। चलो सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अभी खत्म हो गया ना आधा रात को खाएंगे, सब शेष हो गया, फिनिश। कैन को कुछ नहीं मिलेगा, किसे प्लेट पकड़ रहा है आर्यन को सिर्फ बॉटल दिया है। अब्बा भी सर मूवी देख रहे हैं, अब्बा ने कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं ये मूवी। अब्बा मूवी यार नाम की राजकुमारी मूवी का नाम क्या है? अब्बा ना सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में और ये हम ना मिलके मूवी देख रहे हैं, भालो मूवी। मूवी की हीरोइन है वो काजल की माँ है, तो अब्बा मूवी पूरी एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में। क्लासिकल म्यूजिक, आर्यन डांस कर रहा है। कौन सा गाना है इमोन? प्यार दीवाना होता है। Oh,
गाना है ना प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, तो वो 1971 का सॉन्ग है जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तो ये वाला सॉन्ग ना पहले आया था शायद बंगाली कोलकाता का, जो अभी अभी सुन रहे हम, तो ये वही सेम सॉन्ग है लेकिन बंगाली में चल रहा है ना, और फिर हिंदी में आया था, तो मेरे को ये गाना तो सुना सुना सा लग रहा है, तो वही है सेम। चाय टोस्ट एंड गजल की मम्मी की मूवी। हर चीज सादिया ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पता नहीं क्या है, अंदर जगह देखूंगा। बहुत हैवी। तो फ्रेंड्स अभी ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किया घर के लिए, चलो दिखाती हूँ क्या है। इमान तुम्हें पता है क्या है इसमें? देखा था थोड़ा कुछ है। दलीना हैं? मम्मी कौन है की? ये जनी की जानी माँ को पता है। पंद्रह से किन्हीं आज तक खावा तो आप हैं। हैं? देखो। अरे बाबा। बिस्किट्स। अभी माँ ने सबसे पहले सब किराना भाई को हर चीज हमारे कॉन्वीनियंट स्टोर में सेटिंग करके रखा, जब खाना है तो इधर से उठा के बस खाओ। आर्यन खुद के बचपन की वीडियो देख के ना खुश हो रहे, पहचान रहा है खुद को। तो मैंने यहाँ पे उसको माशाल्लाह माशाल्लाह बस अभी उसको पहनाएंगे लोशन से पहले, बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स खोल खोल के उसको मसाज करती जाऊंगी। मसाज ये हमारा छोटा आर्यन रेडी हो गया नहा के, ये हमारा बड़ा आर्यन एंजॉय किया अपना बचपन इसने। मुझे लेंसेज पहनने का बहुत शौक है और मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ, तो मैं ब्लू भी ट्राई किया, ग्रे भी ट्राई किया है, ग्रीन भी ट्राई किया है, और भी कोई कलर था क्या ट्राई किया, मतलब ग्रे ही शायद दो बार ट्राई किया है। तो इस बार मैंने ब्राउन कलर की लेंसेज जो है ना वो ऑर्डर कर दिए हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। और ये रहे वो, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर ना कोरिया से आते हैं, मेड इन कोरिया होते हैं लेंसेज। और इसके अंदर सबसे पहले तो ये क्यूट सा लेंस के लिए दिया हुआ है केस, लेंस केस। और उसके अलावा लेंस का कलर, लेट्स सी, ओ ब्राउन तो है, चलो वो भर देते हैं पूरा फुल फुल फुल। इस लेंस को स्टे करने देंगे कुछ टाइम तक यहाँ पे, ये ना ठीक है। तो ये इस कलर का लेंस है, कैन यू सी, पता चलेगा, ये तो तभी पता चलेगा जब हम पहनेंगे। तो इसको इसमें डाल देते हैं, ये चला गया अंदर, तो इसको रख देते हैं हम कवर करके। ये हो गया हमारा डन। ग्रे कलर के लेंस है जो कि नॉर्मल इंसान के लेंस से इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसे डोल डोल जैसी आंखें लगती है, तो ये वो है। ब्लूइश कलर में ये पहन के थोड़ा सा हॉरर हॉरर लुक आता है, इसलिए मैं ये ज्यादातर नहीं पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह कल अगर हो सके तो हम ये वाले लेंस पहनेंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो, और खुदा हाफिज, बाय बाय।수업 시간에 배웠었던 현재 진행형